टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के हॉकर्स को सालों पहले जिस रोड से उठा दिया गया था, आज उसी रोड पर परमिशन देकर फिर बिठा दिया गया है। सालों पहले रास्ता चौड़ा करने के लिए हॉकर्स को इस गुलाब पार्क मार्केट से हटा दिया गया था और इन्हें मित्तल में शिफ्ट किया गया था, और अब मित्तल में नाले का काम शुरू होने की वजह से एक बार फिर गुलाब पार्क मार्केट में हॉकर्स को शिफ्ट किया गया है, जिस पर शहर में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं कि एक बार फिर मुमरा शहर में ट्रैफिक की समस्या बढ़ सकती है। मार्केट लगने के बाद रोड पर ही अब गाड़ियां लोग पार्क कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि एक तरफ मार्केट लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ रोड के किनारे गाड़ियां भी पार्क की जा रही हैं। हालांकि अभी ये मार्केट 11 बजे तक खुल रही है, मगर जब ये मार्केट पूरा दिन खुली रहेगी उस वक्त ट्रैफिक जाम की स्थिति क्या होगी और यहां गाड़ियां लोग किस तरह से पार्क करेंगे, क्योंकि पहले जहां गाड़ियां पार्क करते थे वहां अब गुलाब पार्क मार्केट में हॉकर्स धंधा लगाएंगे पूरा दिन, तो जो गाड़ियां हैं वो जाहिर सी बात है रोड के किनारे पार्क करेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या और बढ़ सकती है। वहीं हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद ने बताया है कि अभी 1.5 महीने की परमिशन मिली है रोड पर धंधा लगाने की, इसके बाद इन्हें खुद नहीं पता है कि वो कहाँ जाएंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ये हॉकर्स भटक रहे हैं। दरअसल इन हॉकर्स को इसलिए भटकना पड़ रहा है कि क्योंकि हॉकर्स जोन नहीं है। हालांकि टेम्पररी बेस पर इन्हें जगह दी जाती है, मगर जब वहाँ भी काम चालू हो जाता है उसके बाद इन्हें हटा दिया जाता है। बहरहाल 1.5 महीने की परमिशन मिलने के बाद हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद ने क्या कुछ कहा। सर भाई, आप लोग आज परमिशन लेने के लिए गए थे कि गुलाब पार्क मार्केट में, आप लोगों को कितने दिन की परमिशन जो है मिली है? मनपा ने लेटर जो दिया उसमें कितने दिन के लिए दिया लगाने? इसमें 1.5 महीने परमिशन दिया मनपा ने मेरे को। अब 1.5 महीने के बाद फिर कहाँ जाते हमको भी नहीं मालूम है, क्या होने वाला है। और उसके बाद इससे पहले जब हम यहाँ पे लगा रहे थे तो हाईकोर्ट का ऑर्डर था, वो हिसाब से यहाँ से हमको हटाया गया था और मित्तल में शिफ्ट किया गया। अब मित्तल में से फिर हमको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है और 1.5 महीने का अल्टीमेटम हमारे को दिया गया है। तो 1.5 महीने का आपको समय दिया गया है, तो 1.5 महीना बाद फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? 1.5 महीने के बाद हमको खुद को नहीं मालूम हमको कहाँ जाना है। हम तो मजाक हो गए और लोग अब हम हंस रहे और थूक भी रहे, इसलिए बार बार लेके जाना फिर लेके आना, हम उनको कोऑपरेट कर रहे मगर लोग हम पे अब हंस रहे हैं और दुनिया पूरा मुमरा हमको थूक भी रही है। ये क्या खेल लगा के रखा है लोग, ये बंदर वाला काम हो गया, इधर कूद उधर जाओ, उधर कूद इधर आ, ये चल रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं जब पार्किंग की समस्या भी बढ़ेगी तो पार्किंग की समस्या तो बढ़ेगी, तो पार्किंग की समस्या है, इनके प्रशासन का काम है उसको कोई जगह दें और उनको पार्किंग बना के दें। सर आपके यूनियन में करीब 600-700 हॉकर्स है और आप लोग लगातार जो है मांग भी कर रहे हैं कि एक लीगल हॉकर जोन दिया जाए ताकि आप लोगों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, लेकिन आप लोगों को हॉकर जोन मिल नहीं रहा है। तो कई सालों से आप लोग टेम्पररी बेस पर गुलाब पार्क मार्केट मित्तल ग्राउंड यहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? तो प्रशासन का जवाब दे सकती है, हम लोग तो बहुत कोशिश कर रहे, लेटर भी दिए हमने, मांगनी भी की है, एक प्लॉट भी है 2 एकड़ का, हमने वो भी नहीं मांगे भाई, अब भी हमको वही प्लॉट दे दो हम लोग अपना बना लेंगे और वहाँ पे शिफ्ट भी हो जाएंगे, मगर वो भी प्रशासन हमारे को भी। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग जो है हॉकर जोन कहीं लेना भी नहीं चाह रहे हैं, आप लोगों की मर्जी है कि हम लोग रोड पे ही धंधा लगाएंगे। हम हॉकर जोन लेना चाह रहे हैं, प्रशासन जब हॉकर जोन बना के देगी तब तो हम लेंगे ना, ऐसे ओपन प्लॉट दे दोगे तब वहाँ पे जाके बैठ जाए कीचड़ में जंगल में जाके बैठे क्या? इससे पहले भी MMLE बना के दिए थे जहाँ पे वहाँ पे कुछ आबादी नहीं थी, वैसी हुआ है।